तो फाइनली जो है एक और नया अपडेट जो है एंड्रॉइड 12 बेस MIUI 13 का आपके Redmi Note 11 Pro Plus 5G या फिर जिसे आप Poco X4 Pro 5G बोलते हैं उसके लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे ये जो है Mi Pilot टेस्टर्स के लिए है, तो इसके अंदर कुछ हिडन सेटिंग्स भी हैं और अब आप जो है विजेट्स को भी इसके अंदर इनेबल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ बोनस ट्रिक्स एंड टिप्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो ट्रिक्स आपको काफी बेनिफिट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है Redmi Note 11 Pro Plus 5G और आप देख पा रहे हो कि MIUI 13.0.3.0 का ये वर्जन है, Android 12 के ऊपर बेस्ड है एंड आपको 1st ऑफ अक्टूबर 2022 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिला है। दोनों ही फोन जिसे आप Redmi Note 11 Pro Plus 5G बोलते हैं और साथ ही साथ Poco X4 Pro 5G उन दोनों ही फोन्स के लिए है, एक ही रोम आपको देखने को मिलता है। तो इसका अपडेट जो आना जो है इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है, ये इस टाइम पे पायलट टेस्टर्स के लिए रिलीज किया गया है और जल्द ही आपको ये अपडेट OTA के थ्रू देखने को मिल जाएगा। अगर चेंज लॉक की बात की जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिस्टम में दो चीजें मेंशन की हैं, अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू अक्टूबर 2022 और इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो बस यही चेंज लॉक आपको देखने को मिला है। कंट्रोल सेंटर आपको वही देखने को मिल जाता है बट इसके अंदर जो अब आपको ब्लर बैकग्राउंड पीछे देखने को मिलता है। इवन नोटिफिकेशन में भी अब आपको जो है ब्लर बैकग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ जो फोल्डर्स होते हैं उसमें भी अब आपको ब्लर बैकग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देख पा रहे होंगे आपको काफी अलग सा लुक जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के एनिमेशन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस इस तरीके के एनिमेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जो है ये लैग करता है बट एक बार जो है सभी एप्लीकेशन जब है ऑप्टिमाइज हो जाते हैं उसके बाद जो है सारी चीजें परफेक्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। बाकी देखा जाए तो गैलरी के अंदर कोई सचेस कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्मार्ट साइड बार जो आपको एज इट इज देखने को मिल जाता है जहां से आप ऐसे फ्लोटिंग विंडोज जो है किसी भी ऐप को जो है लॉन्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके एनिमेशन के साथ। आप इनको डायरेक्टली जो है इस तरीके से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है एज ए फ्लोटिंग विंडो इनको यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप हमारे फोन पे हम यहाँ पे विजेट्स यूज कर रहे हैं बट आपको जो होम लॉन्चर की सेटिंग्स है उसके अंदर जो है ये विजेट्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इन विजेट्स को कैसे अपने फोन में यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, लॉन्चर की सेटिंग्स में आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको बैलेंस लैग्स एंड फास्ट के ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसे ही है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक तरीके बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच का अपडेट है और थोड़े बहुत जो बग्स वगैरह आपको देखने मिलते हैं उनको फिक्स किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी भी आपको 10 सेकंड्स का ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन एज इट इज वैसे ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। 120 हर्ट्ज़ एंड 60 हर्ट्ज़ आप यहाँ पे यूज कर पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। इवन जो है प्राइवेसी के अंदर जो है अब आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिला है जो कि एंड्रॉइड 12 का फीचर है जिसमें आप चेक कर सकते हैं किन किन एप्लीकेशन ने आपकी लोकेशन कैमरा वगैरह को एक्सेस किया है। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कौन सा आइकन पैक हम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँ हम एक थीम का आइकन पैक यूज कर रहे हैं और एक कस्टम वॉलपेपर हम यूज कर रहे हैं। तो जो आइकन पैक हम यूज कर रहे हैं वो हम इस थीम का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कैंडी कॉर्न्स अनरैप्ड, इस थीम को हमने डाउनलोड किया है और इसके आइकन्स को हम यूज कर रहे हैं। वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो है सिक्योरिटी की एप्लीकेशन में जाएं तो आपको वही पुरानी सिक्योरिटी की एप्लीकेशन यहाँ मिल जाती है। गेम टर्बो की बात करें तो गेम टर्बो का लुक जो है आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसकी सेटिंग्स वगैरह में जा सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को यहाँ से डायरेक्टली आप लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको गेम टर्बो जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके गेम टर्बो मिलता है आपको, वॉइस चेंजर, टाइमर, बाकी DND स्क्रीन शॉट्स वगैरह सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप परफॉर्मेंस को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है गेम टर्बो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स आपको कोई भी ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। विजेट्स का सपोर्ट अभी भी देखने को नहीं मिला है। ऐप वॉल्ट में जरूर आपको विजेट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बट उन विजेट्स को जो है आप अपनी होम स्क्रीन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाते बट ऑलरेडी हम ये विजेट्स जो है अपने फोन में इस टाइम पे यूज करें जो कि परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। आप देख पा रहे होंगे ये वेदर का विजेट आपको देखने को मिलता है, ये आपको क्लॉक का विजेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ हिडन फीचर्स हैं जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ जिनके थ्रू जो है आप इन सब चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक्टिविटी लॉन्चर एक एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा विजेट्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो विजेट्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, जो सर्च का बार है उसके ऊपर आपने कुछ एक वर्ड टाइप करना है, उसके बाद ऐप वॉल्ट में उसको आप सर्च आउट करेंगे। तो ये देखिए मैं डालता हूँ आपको, इस पर आप सर्च करिए पिकर और ऐप वॉल्ट के अंदर जाएंगे तो ऐप वॉल्ट में आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन देखने को मिलता है पिकर बिजनेस होम पेजेस, पिकर होम एक्टिविटी। इसको आप जैसे ओपन करेंगे अब आपके फोन के ऊपर जो है विजेट्स का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा।
किसी विजेट को ऐड कीजिए, सपोज कीजिए आपको ये वाला विजेट चाहिए, इसको ओपन कीजिए, ऐड टू होम स्क्रीन कर दीजिए। अब ये होम स्क्रीन में आपके ऐड हो चुका होगा। तो ये देखिए अब जो है ये विजेट हमारे होम स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से तो जो आप जो है विजेट्स को ऐड करेंगे, कुछ और हिडन फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आप इसमें टाइप कीजिए हिस्ट्री और उसके बाद जो है आपको सेटिंग्स के अंदर जो है आपको एक काफी अलग से एक फीचर देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो एंड्रॉइड 12 का फीचर है, जिसको इनेबल करने के बाद आपने कोई भी नोटिफिकेशन मिस कर दी होंगे तो वो सारे के सारी नोटिफिकेशन की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी एक हिडन फीचर जो है आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉइड 12 का, जो कि आपको रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G या फिर पोको एक्सपो 4 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। कुछ और चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे हर्ट रेट जो मॉनिटर होता है आपको वो भी इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हर्ट रेट, ये देखिए हर्ट रेट का जो मॉनिटर है उसको भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो कैमरा लेंस है उसके ऊपर टैप करना है और उसके बाद जो है ये जो है आपके लिए मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देगा। देखिए पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये। तो इस फीचर को भी आप जो है एक्टिविटी लॉन्चर के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। इवन आपको अर्थक्यूब का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अर्थक्यूब को आप टाइप करिए, सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो अर्थक्यूब की जो वार्निंग्स होती हैं उसका फीचर भी आपको देखने को मिला है, जिसका व्यू डेमो में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं ये किस तरीके से ये काम करता है। ये सारे कुछ जो हिडन फीचर जो है आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के इसके अंदर प्रोवाइड किए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके थ्रू जो है अगर आप ईयरबड्स या कोई अपने हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ फीचर्स को आप पा सकते हैं। तो इस पर सेटअप कीजिए कस्टम इफेक्ट्स और उसके बाद आपको एक ईयरफोन्स के अंदर कस्टम इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से जो है आप किसी पर्सनल साउंड में जाकर जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करते हैं, स्टार्ट करके इनको अपने हेडफोन्स वगैरह अपने वायरलेस हेडफोन्स जो है उनको यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो ये कुछ हिडन फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप जो है इन विजेट्स को ऐड कर पाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंदर सर्च आउट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो ये एंड्रॉइड 12 का सेकंड अपडेट है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G या फिर पोको X4 5G यूज़ के लिए। अब आप लोग सोचेंगे ये अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो ये अपडेट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया इस टाइम पे जो पब्लिक टेस्टर्स हैं उनके लिए रिलीज किया गया है, बट कुछ ही दिनों में जो है ये अपडेट जो है आपको भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था, कुछ हिडन सेटिंग्स में आपको दिखाना चाहता था और उसके बाद में आपको बताना चाहता कि ये नया अपडेट जो है रोल आउट होना है इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।